हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पिछली मीटिंग में हमने बताया कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हुआ अब हम आपके सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और जो सेकंड पेपर है वो है सम्मिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पेपर है इसमें फर्स्ट जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में आपको केवल चैप्टर थर्ड पढ़ना है लेकिन कुछ बेसिक नॉलेज के लिए चैप्टर फर्स्ट के बारे में भी जानकारी रखनी है ओके okay, स्टूडेंट्स तो सम्मिश्र विश्लेषण में जो यूनिट फर्स्ट रहेगी इस फर्स्ट यूनिट में आपको कुछ बेसिक नॉलेज बताई जाएगी लेकिन आपके जो सिलेबस में मेन पॉइंट है वो है एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन तो सबसे पहले हम किसी सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करें सम्मिश्र जो संख्या होती है उसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है इसको सम्मिश्र संख्या कहो या फिर काल्पनिक संख्या कहो लेकिन ये जो ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल होता है ना जैसे कि रूट में माइनस ए हो जहां ए क्या है जीरो से बड़ा है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ऐसे ही माइनस में दो हो तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसको दो आयुटा कह सकते हैं हम तो इस तरह की जो संख्या कहूंगी इन संख्याओं को हम प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानेंगे यानी शुद्ध वास्तविक संख्या शुद्ध काल्पनिक का संख्या क्या कहेंगे इनको शुद्ध काल्पनिक का संख्या लेकिन हम यहाँ काल्पनिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो काल्पनिक की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं एक संख्या जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई जहां एक्स वाई क्या है रियल नंबर हैं वास्तविक संख्याएं हैं एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है तो यानी कोई भी नंबर जो कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईविटा बाई की फॉर्म में होता है वह है एक सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करता है अब देखिए यह एक सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करता है तो यहां जो एक्स होता है वह इस समित संख्या जेड है उसका वास्तविक भाग कहलाता है तो इसको लिखते हैं यदि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई तब यह जो एक्स है वो वास्तविक भाग कहलाता है जिसको हम रियल पार्ट बोलते हैं और बाई है वह इमेजनरी यानी काल्पनिक भाग कहलाता है तो हम इस तरह से लिखते हैं कि x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड आर ई शॉर्ट में आर ई लिखोगे रियल पार्ट ऑफ जेड तथा आयोटा के साथ में जो गुणा हो रहा है उसे बाई व्यक्त करें तो बाई जो है वह कहलाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड तो ये एक्स और बाई क्या है रियल और इमेजनरी पार्ट्स कहलाते हैं अब देखो इनके परिमाण इनका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी, इसकी भी बात करें पुनः यदि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई तब इसका संयुग्मी जिसको जेड बार से व्यक्त करें जेड एक्स प्लस आयोटा बाई है तो जेड बार होगा एक्स आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना है बस माइनस आयोटा बाई और इसका परिमाण निकालें तो यह लिखा जाता है अंडर रूट में वास्तविक भाग जो एक्स है इसका वर्ग प्लस काल्पनिक भाग जो बाई है इसका भी वर्ग परिमाण के साथ साथ इसका इनवर्स निकालें प्रतिलोम जिसको आप जेड इनवर्स कहो तो ये बनेगा अगर जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई है तो जेड इनवर्स यानी वन अपॉन जेड तो ये बन जाएगा एक्स प्लस आयोटा बाई वन अपन में इसका आप परमीकरण करें तो एक्स माइनस आयोटा बाई ऊपर बनेगा यानी एक्स माइनस आयोटा बाई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया है तो इसको लिख सकते हो जेड इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर है एक्स माइनस आयोटा बाई अपॉन में नीचे देखेंगे ए प्लस आयु यानी एक्स प्लस आयोटा बाई एक्स माइनस आयोटा बाई तो ये कंडीशन बनी है कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी जैसी दीपक चौधरी गुड आफ्टरनून भाई तो इसमें a प्लस आई बी और a माइनस आई बी या a प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन बनी ना तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x प्लस आई बाई एक्स माइनस आईओटा बाई इसको लिख सकते हो आप पहले का वर्ग माइनस दूसरा जो आयोटा बाई है इसका भी वर्ग आप देखेंगे इसमें कि एक्स स्क्वायर और आयोटा का वर्ग माइनस एक होता है तो माइनस माइनस प्लस बन गया और ये वाई वर्ग तो स्टूडेंट्स इसकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी तो इसको आगे चल करके क्या है शॉर्ट में लिखा करेंगे ओके तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है ना ये नीचे जो कि इधर बताया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम इसका अलग अलग भाग दें x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा बाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा अब देखिए इसमें इसमें कुछ गुणधर्म है कुछ गुणधर्म है पहले तो हम जोड़ घटा भाग इनकी बात कर लें तो साथ के साथ आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ओके ये आपका सेकंड पेपर है इसकी फर्स्ट यूनिट है तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो आपके लिए यदि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इसको एक्स कॉमा बाई के रूप में व्यक्त करते हैं जरूरी नहीं है कि एक्स प्लस आयोटा बाई ही लिखो इसको टू डी की फॉर्म एक्स कॉमा बाई से भी निर्दिष्ट किया जा सकता है अब अगर हम यहाँ बात करें यदि जेड वन और जेड टू कोई दो सम्मिश्र संख्या लेकर के चल रहे हैं जेड वन इज इक्वल टू ए वन बी वन या ए बी सी डी इसको तो ए बी लिख दिया या आप इसको ए प्लस आयोटा भी लिख दो जो कि आप ए बी लिख सकते हैं इसको तथा जेड टू बराबर सी प्लस आयोटा डी जिसको आप सी डी लिखें तो पॉइंट फर्स्ट जेड वन जेड टू के इक्वल होगा इसका मतलब इसका मतलब है ए बी और सी डी बराबर होंगे या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो ए है वो सी के बराबर और बी है वो पॉइंट किसके बराबर होगा डी के यानी अगर जेड वन जेड टू बराबर हैं जेड वन और जेड टू बराबर हैं यानी ए बी सी डी ए बी और ए बी बराबर है सी डी के तो ये तभी संभव है जब पहला घटक पहले के बराबर और दूसरा घटक दूसरे के बराबर वो कैसे आप जान सकते हो देखिए समझेंगे बस जेड वन जेड वन इज़ इक्वल टू जेड टू जेड वन का मतलब है जेड वन का मतलब है ए प्लस आयुटा बी और जेड टू का मतलब है सी प्लस आयुटा डी ए प्लस आयुटा को आयुटा बी को लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी तो यानी ये दो क्रमित युग में ये दोनों तब बराबर होते हैं जब ए बी ए बराबर यानी पहला घटक पहले के बराबर यानी ए बराबर हो सी के और बी है वो बराबर हो डी के ओके okay, स्टूडेंट्स तो यही बात हमने यहाँ लिखी है दूसरा पॉइंट है <laughs> दूसरा पॉइंट है इनके योग के लिए तो जेड वन प्लस जेड टू लिखा हो जेड वन का मतलब है AB बी प्लस जेड टू का मतलब है CD तो पहला पहले में जुड़ जाता है और दूसरा दूसरे में जुड़ जाता है ओके okay, स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे कि इसमें तीसरा जो है गुड़न के लिए इसकी चर्चा करें तीसरा पॉइंट है गुड़न के लिए जेड वन इंटू जेड टू करें तो जेड वन का मतलब है ए प्लस आयोटा बी और जेड टू का मतलब है सी प्लस आयोटा डी तो इन गुड़न को अगर आप करें तो आप लिखोगे a प्लस आयोटा बी गुणा सी प्लस आयोटा डी गुणा करोगे तो आप देखिए पहले रियल पार्ट यानी a का गुणा c से होगा आयोटा b का आयोटा d से करोगे तो आयोटा 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 स्क्वायर जो कि माइनस वन बना और ये bd तो देखिए ये तो हो गया रियल पार्ट फिर आयोटा वाले देखो a का गुणा आयोटा d से करोगे a का गुणा आयोटा d से करें तो इसमें आयोटा कॉमन और आयोटा कॉमन ले लिया तो ये बनेगा ए डी आयोटा बी का गुणा सी से करोगे तो ये बना बी सी तो इसको आप लिख सकते हो ए सी माइनस बी डी कॉमा एडी प्लस बी सी ओके स्टूडेंट्स तो ये रहा जेड वन इंटू जेड टू अब देखिए कुछ इसमें प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो प्रॉपर्टीज हैं आपकी अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड और उसके संयुग्मी की बात करें यदि जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आईटा बाई जरूरत पड़ी तो जेड वन जेड टू के लिए भी जरूरत पड़ सकती है जेड वन जेड टू का मतलब आप लगा सकते हो या तो ए बी सी डी से लगा दो या ए वन ए टू बी वन बी टू यानी ए वन प्लस आयोटा बी वन और ए टू प्लस आयोटा बी टू से लगा सकते हो जेड वन जेड टू के मान आप अपने माइंड में यही सेट रखें अब देखिए अगर इसमें जेड जेड प्लस जेड बार निकालें और जेड माइनस जेड बार निकालें तो यानी अगर आप इनकी पहला नियम है जेड प्लस जेड बार करें तो आप देखेंगे कि जेड और जेड बार को जोड़ दें तो आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स टू एक्स बनेगा यानी जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू टू, टू एक्स आएगा और x के बारे में हमने बताया कि जो x होता है वो z का रियल भाग होता है ऐसे लिख सकते हो इसको आप x को x को लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z दो बाहर है तो यानी इसको लिखा जा सकता है टू रियल पार्ट ऑफ़ z, दूसरा देखिए अगर इनको घटा दिया जाए z माइनस जेड बार z में से z बार घटाएंगे तो x प्लस आयुटा बाई में से x प्लस आयुटा बाई में से आप एक्स माइनस आयोटा बाई घटाएं, तो इस एक्स से एक्स कट जाएगा आयोटा बाई और आयोटा बाई हो जाएगा टू आयोटा बाई क्या बनेगा ये टू आयोटा बाई और इसको आप टू आयोटा बाई बाई की जगह लिख सकते हो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्योंकि अभी अभी बताया आपको एक्स इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड और बाई इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे आप इनको ओके तो यहाँ जेड माइनस जेड बार को आप लिख सकते हो टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड टू आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ये हो गया तीसरा नियम सॉरी दूसरा आप तीसरे नियम के बारे में डिस्कस करें हम तीसरा नियम है इसमें जेड बार का बार निकालें तो वो जेड के ही इक्वल आता है जेड बार का भी बार निकालें तो ये जेड के ही इक्वल आता है और वो क्यों होता है इसके बराबर समझोगे आप इस, इसको जैसा कि हम कहें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई तो जेड बार का मतलब हुआ आयोटा को बदल दो आयोटा या प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दो फिर से इसका भी संयुग्मी में निकालें तो एक्स माइनस आयोटा को फिर से आयोटा करोगे ना तो आप देखोगे कि एक्स प्लस आयोटा ये जेड के बराबर आ गया यानी जेड बार का बार बराबर जेड होता है यही आपको हमने यहाँ लिखा है ऐसे ही इसमें फोर्थ नंबर का जो नियम है और वह रहेगा आपका फोर्थ नंबर का नियम है जेड वन प्लस जेड टू का होल बार बराबर होता है अलग अलग बार के यानी जेड वन प्लस हो या माइनस हो जेड टू का बार तो ये जेड वन का बार प्लस माइनस जेड टू का बार अलग अलग के बराबर होता है तो इसमें आप समझेंगे अब कि जेड वन बराबर अगर हम ये कहें ए प्लस आई टा बी और जेड टू बराबर हम कहें कि सी प्लस आई टा डी तो यहां जेड वन प्लस जेड टू निकालें तो जेड वन प्लस जेड टू का मतलब है रियल रियल में जुड़ेगा ए जुड़ेगा सी में आयोटा कॉमन लेकर के बी जुड़ेगा डी में ओके okay, स्टूडेंट्स रियल रियल में जुड़ गया और इमेजनरी भाग इमेजनरी में जुड़ा तो आप इसको संयुग्मी की बात करें तो जेड वन प्लस जेड टू का जो संयुग्मी होगा वह बनेगा ए प्लस सी आई की जगह माइनस आई हो जाएगा बी प्लस डी तो आप देखेंगे जेड वन प्लस जेड टू का बार और ये जेड वन का बार और जेड टू का बार अलग अलग जोड़ें जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार अलग अलग जोड़ें तो जेड वन का बार करोगे ये बनेगा ए माइनस आई बी प्लस जेड टू का बार करोगे तो ये बनेगा सी प्लस आई डी ए को सी के साथ लिखो ए प्लस सी माइनस आयोटा बी और आयोटा डी में से ये माइनस का बनेगा ना बार निकालोगे तो सी माइनस आयोटा डी माइनस आयोटा बी माइनस आयोटा डी इन में से आयोटा कॉमन लिया तो बी प्लस का डी यानी इसको लिख सकते हो जेड वन बार प्लस जेड टू बार और जेड वन बार प्लस जेड टू का होल बार ये दोनों टर्म कैसी हैं ये बराबर हैं तो ये क्या है ये भी बराबर होंगे वही लिखा है हमने यानी आप प्लस के लिए करो या फिर माइनस के लिए करो बराबर आएगा ओके okay. ठीक है ना जेड वन जेड टू का गुणा कैसे किया है समझो जेड वन जेड टू का गुणा अगर जेड वन की वैल्यू ए प्लस आईटा भी है जेड टू की वैल्यू सी प्लस आयोटा डी है तो देखो ऐसे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के गुणा करोगे ना आप तो गुणा ऐसे करोगे कि पहले तो आ जाए बिना आयोटा वाला फिर प्लस में आयोटा लगा करके दूसरा आ जाए यानी एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखें तो देखना आप गुणा जेड वन जेड टू के मान ये हैं अगर आप एक का गुणा सी से करें तो ए सी आया इस आयुटा बी का गुणा आयुटा डी से करोगे तो आयुटा वर्ग हो जाएगा माइनस वन और बी डी बन गया ओके अगर आप इसको डिटेल में देखें नॉर्मल बच्चों की तरह जो आप नाइन टेंथ में पढ़ा करते थे एक गुणा उसके अकॉर्डिंग देखें तो आप देखिए एक का गुणा सी से एक का गुणा आयोटा डी से तो आयोटा ए डी बना फिर आयोटा का गुणा आयुटा बी का गुणा सी से करो, तो आयोटा बी सी लिखोगे और आयोटा का आयोटा से माइनस बी डी माइनस बी डी तो आप देखेंगे यहाँ ए सी और बी डी को एक साथ लिखें और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लें तो ई डी प्लस बी सी बचेगा ओके स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ अब देखो ये हो गया इसका गुणा लेकिन आप समझो अब इसमें जैसा कि आपको चौथे नंबर का फॉर्मूला बताया ठीक इसी आधार पर एक पांचवें नंबर का फार्मूला है वो है गुणा के लिए और वो जो गुणा के लिए है पांचवें नंबर का फॉर्मूला वह है, है जेड वन जेड टू का बार करें तो ये जेड वन का बार इंटू जेड टू का बार होता है समझो यहाँ जेड वन जेड टू है ना आपके पास गुणा हो रहा है ना यहाँ देखिए आपके पास ये जेड वन इंटू जेड टू का मान है लेकिन इसका संयुग भी निकालोगे जेड वन जेड टू का होल बार यह बनेगा ए सी माइनस बी डी प्लस आई ओटा है तो माइनस आई ओटा हो जाएगा ए डी प्लस बी सी ओके लेकिन ये चेक करके देखो कि क्या ये जेड वन बार और जेड टू बार के बराबर है जेड वन बार जेड टू बार की अगर बात करें हम तो देखिए जेड वन बार का मतलब रहा जेड वन ये है तो जेड वन बार का मतलब रहा ए माइनस आई ओटा और फिर जेड टू बार है जेड टू का बार करोगे तो जेड टू बार का मतलब रहा सी माइनस आई टा डी अब आप अगर इनकी गुणा करें तो देखो इसके बराबर आएगा वो कैसे ए का गुणा सी से आयुटा बी का आयुटा डी से करोगे तो माइनस माइनस प्लस लेकिन आयोटा बार का फिर माइनस हो जाएगा बी डी फिर देखिए ए का गुणा आयुटा डी से करोगे एक का गुणा आयुटा डी से करोगे तो माइनस कॉमन तो ये बनेगा ई डी फिर माइनस आईविटा बी का गुणा अस्सी से करोगे माइनस आईविटा कॉमन तो प्लस का बी डी आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है सेम है यानी आर एच एस अगर इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होंगे ये था आपका पाँचवें नंबर का फॉर्मूला अब हम एक छठवें नंबर की बात करें जेड वन और जेड टू कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनका अगर आप संयुग्मी निकालोगे तो ऊपर जेड वन है उसका संयुग्मी बटे में जो जेड टू है उसका भी संयुग्मी यानी अलग अलग संयुग्मी के बराबर होता है इनका जो टोटल संयुग्मी बनता है वह है इनके अलग अलग संयुग्मी के बराबर होता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और क्लास को आप दोबारा से ज्वाइन करोगे सभी क्लास को आप रिजॉइन करेंगे